I have received lots of emails and DMs. There are many fighter, those who wants to become pro fighter. तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रो फाइटर कौन बन सकता है। अगर आपने अभी अभी MMA शुरू किया है, आपने दो तीन amateur टूर्नामेंट खेला है, तो आपको प्रो में जाने की कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप प्रो फाइट में जाना चाहते हैं तो आपके पास पहले amateur टूर्नामेंट की बहुत सारी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, क्योंकि प्रो फाइट में जाने के बाद आप amateur में वापस नहीं आ सकते हैं। और अगर आप प्रो फाइट में जाने के बाद अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते, अगर आप प्रो फाइट में दो चार फाइट हार जाते हैं, तो फिर आपको आगे फाइट नहीं मिलती है, और उसके बाद फिर आप आगे प्रो फाइट भी नहीं कर पाते हैं और आप amateur में भी वापस नहीं आ पाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको फिर MMA छोड़ना पड़ेगा, आपको फिर दूसरा प्रोफेशन चूज़ करना पड़ेगा। तो आई सजेस्ट एवरी फाइटर, अगर आप amateur फाइटर हैं तो आप दो चार साल, पाँच साल, छः साल तक amateur fight का एक्सपीरियंस करें। जब आपको लगे कि आप एक बहुत ही अच्छे फाइटर बन चुके हैं और आप एक आपका जो स्टैंडर्ड है एज अ फाइटर बहुत ऊपर आ गया है, देन यू कैन डिसाइड टू गो फॉर प्रो। बट वो भी डिपेंड करता है कि अगर कोई भी फेडरेशन या एकेडमी आपको प्रो फाइट के लिए चांस देती है तो अच्छी बात है। PML में प्रो खेलने के लिए आपको PML का amateur और गेटवे टू PML खेलना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली द फाइटर हु डिजर्व, वी गिव देम अ बिगर एंड बेटर प्लेटफॉर्म टू शाइन इनटू द वर्ल्ड ऑफ MMA।